नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन वी एम इज इक्वल टू फाइव वन प्लस पॉइंट सिक्स कॉस सिक्स टू एट जीरो टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टू वन वन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर फोर टी वोल्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीटूड मॉड्यूलेटिव आर रेस्पेक्टिवली चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं नाउ uh, इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं वी एम विल बी इक्वल टू फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स कॉस ऑफ सिक्स टू एट ज़ीरो टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टू वन वन इंटू टेन टू द पावर फोर टी ये आपका एक्सप्रेशन है इस फाइव को अगर अंदर ले जाएं तो दिस विल बी इक्वल टू फाइव प्लस थ्री कॉस ऑफ सिक्स टू एट ज़ीरो टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टू वन वन इंटू टेन टू द पावर फोर टी ये आपका एक्सप्रेशन है ना इसकी वी एम की जो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे मैक्सिमम uh, तो उस मैक्सिमम uh, यहाँ पे आएगी वैल्यू एट और वी मिनिमम की बात करेंगे तो वी मिनिमम की वैल्यू होनी चाहिए आपकी फ़ाइव माइनस थ्री इसको भी ऐसे लिख लेते हैं फाइव प्लस थ्री दैट विल बी एट एंड दिस विल बी टू सो so, आपके एट और टू होने चाहिए तो चार ऑप्शन अगर देखेंगे तो उसमें एट तो दो में दिया हुआ है सो so, ऑप्शन वन या थ्री में से कोई एक सही आंसर होना चाहिए और एन ने ऑप्शन थ्री सही दिया है लेकिन उसमें आ, ये टू वैल्यू नहीं है तो हो सकता है इस पर सबको बोनस मिल जाए जिन लोगों ने आ, ये वाला अटेम्प्ट किया है हालांकि